यही लोग जनता से पूछ रहे हो, आप बोले मुद्दे क्या है, और मीडिया चाहे ना एक दिन में सरकार पलट सकती है, और ये जनता से पूछ रहे हो, और आप ही लोग क्या बोलते हो कि पैसों से आए हो कि ऐसे आए हो, ये हो सकता है तुम मीडिया चाहे ना रातों रात सरकार पलट सकती है। रुको अभी रुको 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 अब ये कुछ और बोले, हम कुछ और बोले, ये बोलेगा कुछ तो तुम क्या बोलोगे, अरे तुम बीजेपी वाले हो, सपा वाले हो, कांग्रेस वाले हो, ये तुम ही चाहो ना तो रात भर में पलट सकते, रात भर में पूरी पूरी मीडिया ना रात भर में कांग्रेस पलट सकती है, सपा पलट सकती है, सपा पलट सकती है, ये मीडिया, ये मीडिया, ये सबसे बड़ी मीडिया गलत है। और दीदी तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, हमारी बहन होती ना तुम चाहो ना तो रात भर में पलट सकते हो, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा एक अधिकार है कि आप 5 साल में सरकार चेंज होती है, 5 साल में नोट भी चेंज होनी चाहिए, और जमीन का भी रिन्यूअल होना चाहिए, और कोई मुद्दा नहीं मेरा। नोट चेंज हो उससे क्या हो जाएगा, कहे जनसंख्या हो सब पैसा हो सब रिन्यूअल होगा, जब बैंक में जमा करो तो अपन सिस्टम पता चल जाएगा, समझो 5 साल में नोट बदलने से सब कुछ सही हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, जो होगा 10 साल के शासन में 7 साल नोट नहीं चली 2000 की, तो सत्ता क्या चला पाएंगे यार? जैसे 2000 की नोट गायब हुई है वैसे ही मोदी जी गायब होंगे, जिस तरीके 2000 की नोट गायब हुई वैसे मोदी जी गायब, चार सौ पार का नारा दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान खत्म करना पाएगी 140 वो भी नहीं पाएगी, पूरे प्रदेश की बात नहीं पाएगी, नहीं हम जो बता रहे हैं इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बन रही है, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी एससी चेहरा बीजेपी एससी से नफरत करती है, मंदिर नहीं जाने देती, अछूत मानती है, और कांग्रेस जो एससी चेहरा को प्रधानमंत्री बनाएगी, बीजेपी एससी को अछूत मानती है। भाई हमारे राष्ट्रपति को मंदिर क्यों नहीं बुलाया गया, कोई जाता है मंदिर धुलवाते, अखिलेश जाते हैं मंदिर धुलवाते, क्या बीजेपी की राजनीति, बीजेपी बोल रही है कि अखिलेश मुसलमानों को लेकर गए थे इसलिए धुलवाया, मुसलमान हमारे यहाँ मुसलमान भाई नहीं क्या, हमारे नहीं, उसने कितना बलिदान दिया है बीजेपी, कोई कातिल बलिदान नहीं, हमारे मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं कि बाहर से कहीं आए, वो भी तो चप्पल पहन के चले गए थे, जब नहीं मालूम उन्हें कुछ तो क्या बोला जाए। राहुल गांधी की और अखिलेश यादव जी की मीटिंग है, यहाँ 12:30 बजे लाइट काट दी गई है, अभी तक आई भी नहीं, और पानी के लिए लोग तरस रहे, बदले यहाँ पे आवाम में 12:30 बजे लाइट गई है, और 10 मिनट में लाइट जाती थी और आ जाती थी, पूछो क्या हुआ, कब तक चलेगी बिजली, कौन कटवा दिया, तानाशाही कब तक चलेगी, योगी बाबा की योगी बाबा की तानाशाही कब तक चलेगी, 4 जून तक योगी ने कटवा दिया जी, योगी ने कटवाई है लाइट, उसकी उनकी जनसभा होती है, लाइट आती रहती है, योगी को भी तो बदला जा रहा है 4 जून के बाद, आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली थी, क्यों लाइट कट गई, लाइट क्यों कटी भाई, क्यों लाइट कटी, क्यों कटी, नाराज है लाइट कट, मैं तानाशाही है, तानाशाही योगी बाबा की है, तो इतना क्यों नाराज हो रहे हैं, लाइट कट गई तो नाराज क्यों नहीं होंगे हम, मेरे नेता की रैली है, मैं नाराज नहीं हूँ, आप बताइए आपके नेता है, जी मेरे नेता है योगी मोदी, आपके नेता नहीं है, चोर है वो योगी मोदी, चोर है वो, क्या चुरा लिया आपका, मेरे देश का धन चुरा लिया, जनता को मेरे गुमराह कर रहे हैं, मेरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मेरे देश जनता को क्यों कर रहे हैं, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, खाली है जात पात, मुस्लिम हिंदू जात पात लगा है बाजू में, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हाँ अगर देश में है सब अपना भाई है, हिंदू मुस्लिम एक सिख सब है, मैम मेरी बात रखिए, ये मेरी बात योगी बाबा तक पहुंचनी चाहिए कि रायबरेली जिले में जिस हिसाब से ये बिजली शॉर्ट शॉर्टिंग, अन्य व्यवस्थाएं, कृषि विभाग की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से अनभिज्ञ कर दी जा रही हैं, यहाँ के लोगों तो माफियाओं द्वारा क्यों की जा रही है भाई, क्या देश जनता के साथ गुनाह किया जा रहा है, योगी आपकी सुनेंगे, आपको लगता है जब आप बोल रहे हैं चोर है, जो रही हैं क्योंकि मेरे देश जनता गुमराह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं गुमराह, तो आप उनसे फिर अपील क्यों कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मेरे देश जनता सत्ता में हो, मुख्यमंत्री होने के नाते अपील कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो इसको सुधारें, जो शासन प्रशासन उसको सुधारें,
सभी लोगों को गरीब जनता की सबकी सुने, ठीक है, ये तानाशाही बंद करें। चार क्या नहीं सुनी गई, चार कोई नहीं सुना गया। आज मेरे जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी जी आए, ठीक है, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का सॉरी तो आए, लाइट काटी गई, दोबारा लाइट नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, कि तानाशाही नहीं है, आप बताइए, तानाशाही नहीं है, तानाशाही है, क्यों नहीं तानाशाही है, इसके खिलाफ आप आक्रोश दिखा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, इसलिए कि ये जो चल रहा है ना बीजेपी शिक्षा में बोलना चाहती है, ना जनसंख्या बात करना चाहती है, ना बेरोजगारी बात करना चाहती है, क्यों नहीं करना चाहती, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान। माननीय न्यायालय का मसला तो राम मंदिर, और न्यायालय से आदेश हो गया, बन रहा है, काम चल रहा है, उसको कब तक ही बेचेंगे, कब चलेगा, अब कहाँ चल पाएगा, क्या चलेगा, अब रोजगार चलेगा, बेरोजगारी खत्म करें, महंगाई चलेगी, महंगाई को खत्म करें, ये जो है पूरी तरह से पूरे देश को गुमराह किया है, ठगने का काम किया है, झूठ बोल करके। और इनके जो नेता हैं, ये जो आज इधर उधर भाग रहे हैं ना, सब जेल के डर से, ईडी के डर से, जो अभी देखा कुछ दिन पहले राज्यसभा वोटिंग में जो क्रॉस वोटिंग करे हैं, जो भागे हैं, वो सब जेल जाने के डर से भर गए हैं, चूंकि सत्ता है, जानते हैं कि जो हम खड़े करे हैं कभी भी बुलडोजर चल सकता है, दहशत डर इतना है, जेल उनसे कट। आप नहीं डरते, क्यों हम डरेंगे, हम कोई नेता थोड़ी ना है, देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं, आपने परसों देखा होगा, रोना आ गया है उनको, राहुल गांधी जी ने कहा था चौथा चरण आते आते देश के प्रधानमंत्री रोने लग जाएंगे, और आज देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री रो रहा है, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी सिंपति नहीं दिखा सकते। देखिए, देश का प्रधानमंत्री वो होता है जो जनता की समस्याओं को सुने और जनता की समस्याओं का हल करे, लेकिन जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, और जो हमारा इतनी महंगाई, 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था, लेकिन आज 1300 रुपए का सिलेंडर हो गया है, कोई युवाओं की बात नहीं कर रहा, यूपी पुलिस का पेपर 200-200 रुपए में बिक जाता है, लेकिन योगी और मोदी कोई युवाओं की बात सुनने वाला नहीं है, नौकरियां जितनी निकलती है सब लीक हो जाती है, और जो हमारे युवाओं का भविष्य है वो कहीं ना कहीं आज खतरे में है, और आज उनको बचाने की लड़ाई है, युवाओं को लड़ाने की बचाई है, और ये जो हमारी जनता है जो दूर दूर से हमारे राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने आई है, निश्चित रूप से 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और देश का प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी रायबरेली से होने जा रहे हैं। अब तो मैडम पत्रकार भी खतरे में हो गया जी, हमारे यहाँ रैली थी, हमारे यहाँ उस दिन पत्रकार को मारा गया, सिर्फ पत्रकार ने ये पूछा था आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, तो पत्रकार एक महिला आई थी, उसने बताया कि यहाँ पे हमको 100 रुपए बुलाए। अच्छा, आप लोगों को पैसे नहीं मिले थे रैली में आने के? नहीं, यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ पैसे क्यों नहीं आता मैम, यहाँ पैसे अपने पैसा पैसों से कोई नहीं आता है मैम। ये शब्द जो आपने पूछा, आपको पैसे नहीं मिले थे, आपको अच्छा लग रहा है, हम हट जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, पैसे आपको नहीं मिले थे, ये सब बोला है क्या? रुको, पहले बताइए, आप मोदी मीडिया है? ये शब्द बोला आपने कि पैसे नहीं मिले थे, ये आपको अच्छा लग रहा है, पूछो, हम तो हट जा रहे एक सेकंड। आपने ये कहा कि उन्होंने बताया था, तो वो आप रैली में आए हैं कांग्रेस के, तो आपसे भी जान लेते हैं कि आप क्या आपको पैसे मिले थे, आपको नहीं मिले थे, आप बताइए। पैसे की बात आप मोदी मीडिया है क्या? तो क्या है सरकार की कमी, और आप क्या बदलाव चाहते हैं? सरकार की ये कमी है कि अभी हमारे यहाँ पत्रकार भाई एक जो है अमित शाह की रैली थी, उसमें उन्होंने पूछा कि मैडम आपके क्या मुद्दे हैं, यहाँ आप क्यों आई हैं? तो उस महिला ने कहा प्रधान हमको लाए हैं, मुझे नहीं पता है, 100 रुपए दिए हैं। उस पत्रकार को यहाँ जो है अमित शाह की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारा, उसको बहुत मारे, वो आज एडमिट है मैडम, मैं जानती हूँ।
है ना, जानती है ना। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अब पत्रकार भी नहीं सुरक्षित। यहाँ पे जो भीड़ आई है वो बिना पैसे की आई है। बिल्कुल मैडम, बिना पैसे की भीड़ मैम, कोई पैसा नहीं है यहाँ पे, कोई पैसा नहीं है। ये राहुल गांधी और गांधी की कांग्रेस की प्यार है, प्यार झलकता है। और जो जो भाई ने बताया, अब शोर नहीं मचाइए, जोश में ये प्यार है, ये कांग्रेस के प्रति प्यार है, प्यार झलक रहा है। और कोई यहाँ पैसे से आया नहीं है। जो यहाँ की कांग्रेस की जो उपलब्धि है वो हमारे यहाँ रायबरेली की जनता जानती है। हम लोग जानते हैं कि क्या कांग्रेस ने किया है, मोदी ने क्या किया है, वो कुछ बताए। और रही बात की है दिनेश प्रताप सिंह की, मैं उसी परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, सिंह परिवार से, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों क्यों सोनिया गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए हाउस दिया, हमारे यहाँ रेल खोद दिया, एफडीआई दिया है, एम्स दिया, रेल कोच दिया है, साथ साथ इंटरनेशनल कॉलेज दिए हैं। और योगी जी जो है यहाँ से 300 बेड काट के गोरखपुर ले गए, 250 किलोमीटर से पेशेंट आता है एम्स में, बेड नहीं खाली है, उसको 250 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है। अगर जो वही 300 बेड योगी जी काट कर गोरखपुर न ले जाते, शायद वो पेशेंट वापस न जाता जो आता है एम्स में, ओपीडी में आता है और इमरजेंसी बताया जाता कि बेड नहीं खाली है। मई 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, मेरे भारत देश के ऊपर 57 लाख करोड़ का सोना गिरवी था, ठीक है। आज की डेट में कितना गिरवी है, 257 लाख करोड़ टन सोना गिरवी है। क्यों गिरवी है, ठीक है। उसके बाद रायबरेली में जो भी विकास हुआ है, जो कांग्रेस ने किया है, चाहे आप एनी टू कोई भी आप गिन लीजिए ना, कांग्रेस का है। तो यही आपके मुद्दे हैं। तो बीजेपी ने क्या किया 10 सालों में, बीजेपी ने किया क्या मेरे भाई, यही सारे मुद्दे हैं। चलिए चलो, कहां जाएगा गरीब आदमी, हमारा सीधा मुद्दा शिक्षा का, 5 किलो राशन से चल अपने सुनाई हमारे हमारे लोगों के लिए, कुछ भी नहीं लोग कर रहे, बताओ लड़का घूम रहे हैं क्या, कमी हमको बताओ, पेपर लीक होते हैं, राहुल गांधी के आने से मिल जाएगी, कहां मिलेगी नौकरी, मिलेगी सबको मिलेगा। कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार, अच्छा यही लोग जनता से पूछ रहे हो, आप बोले मुद्दे क्या है, और मीडिया चाहे ना एक दिन में सरकार पलट सकती है, और ये जनते से पूछ रहे हो। अच्छा उनको आप ही लोग क्या बोलते हो कि पैसों से आए हो कि ऐसे आए हो, ये हो सकता है तुम मीडिया चाहे ना रातों रात सरकार पलट सकती है। तुम रुको, अभी रुको रुको रुको, अब ये कुछ और बोले, हम कुछ और बोले, ये बोलेगा कुछ तो तुम क्या बोलेगे, अरे तुम बीजेपी वाले हो, सपा वाले हो, कांग्रेस वाले हो, ये तुम ही चाहो ना तो रात भर में पलट सकते हो, रात भर में पूरी पूरी मीडिया ना रात भर में कांग्रेस पलट सकती है, सपा पलट सकती है, सपा पलट सकती है। ये मीडिया, ये मीडिया, ये सबसे बड़ी मीडिया गलत है। और दीदी तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, हमारी बहन होती ना, तुम चाहो ना तो रात भर में पलट सकते हो, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार नहीं चलेगी मैडम जी, मोदी सरकार नहीं चलेगी।